कार्यक्रम हमने शुरू इसलिए किया कि होली के अवसर पर जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, तो ज़्यादा ज़्यादा दो गांव हो जाते थे, तीन गांव हो जाते थे। फिर मैंने सोचा कि सबको ही एक साथ मिलकर ये त्यौहार बनाए, क्योंकि होली का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और होली का त्यौहार केवल हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी मनाने लगे। अब ये है कि संपन्न देश बनाओ, नारा दे रहे हैं संपन्न देश होना चाहिए, मालदार देश होना चाहिए, ये बीजेपी का नारा है। लोकसभा में भी ये सवाल आया था तो हमने कहा कि आप कहाँ से ढूंढ रहे संपन्नता मालदार देश हो जाए, वो कहाँ ढूंढ रहे, कहाँ ढूंढ रहे, कैसे ढूंढ रहे, क्या करोगे। तो मैंने कहा दो तीन ऐसे वर्ग हैं वो देश को संपन्न बना सकते, मालदार बना सकते। नंबर पहला किसान, आज भी 65% किसान अपने हाथ से खेती कर रहा है और 72% लोग किसान हैं, जमीन है 72% की। तो असली ताकत कहाँ है संपन्नता की, किसान। और दूसरा है नौजवान, नौजवान कहीं पुलिस में भर्ती होगा, कहीं फौज में भर्ती होगा, कहीं कहीं लड़ता है। तो किसान नौजवान ये दोनों को अगर महत्व दिया जाए, सुविधा दी जाए, उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाए तो देश संपन्न हो जाएगा। और तीसरा है व्यापारी, हम लोग कभी कभी व्यापारियों के खिलाफ बोलते हैं लेकिन सोचना चाहिए, किसान को पैदावार के लिए सुविधा दो, खाद दो, बीज दो, सिंचाई का प्रबंध करो। और इसी तरह से दूसरा जो है आपका किसान नौजवान, नौजवान कहीं फौज में है, कहीं पीएससी में है, कहीं पुलिस में है, कहीं न कहीं काम करता है नौजवान। तो नौजवानों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये है तीसरा है व्यापारी, व्यापारी को हम लोग कभी कभी गाली देते थे लेकिन व्यापारी अगर नहीं होगा तो कौन खरीदेगा आपका, बताइए कौन खरीदेगा आपकी पैदावार, गेहूं हो चाहे धान हो कुछ भी हो जो फसल है, तो खरीदेगा कौन व्यापारी, व्यापारी कब खरीदेगा, जब उसको लाभ हो, उसको सुविधा हो तो फिर व्यापारी खरीदेगा। तो ये तीन हैं, अब जाने कहाँ ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री देश के संपन्नता संपन्नता संपन्नता, लेकिन हमने उनको बताया कह करके तो उन्होंने जब भाषण दिया तो जवाब नहीं दिया, इतना ही किया होगा सुना होगा आपने मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव दो बार खाओ, लेकिन भाषण का जवाब नहीं दिया, क्योंकि व्यापारी को लाभ नहीं होगा तो क्यों खरीदेगा, नहीं खरीद सकता। तो व्यापारियों से कभी कभी हम लोग भी नाराज हो जाते थे लेकिन व्यापारियों के सामने समस्या है गंभीर। तो ये तीन हैं, नोट कर लो जहां भी हो कि देश कैसे मालदार होगा, देश कैसा पन होगा। 65% किसान अब भी हाथ से काम कर रहा है और 72% लोगों के पास जमीन है, पहले जमीन ज्यादा थी लेकिन फिर जमीन विकास हुआ, कहीं ब्लॉक बन गया, कहीं तहसील बन गया, कहीं कहीं सरकारी इमारतें बन गई, तो उससे कम रह गया। लेकिन अब भी 65% खेती किसान अपने हाथ से कर रहा है। तो किसानों को जब तक नहीं सुविधा दोगे, किसान की पैदावार की लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा, लाभकारी मूल्य दिया जाए, अच्छा बीज दिया जाए, पानी की सुविधा दी जाए, खाद बीज में भी सुविधा दी जाए, किसानों को जब आगे बढ़ाओगे तभी देश विकास कर पाएगा। और दूसरा है
मैंने बताया किसान और नौजवान दूसरा है और तीसरा है व्यापारी, तो नोट कर ले ये तीन हैं और सारे के सारे 72 होते हैं, लेकिन मैंने ये लोकसभा में कहा तो ये सही है कि केवल एक पार्टी थी वो तो चुप रही और हर पार्टी ने हमें बधाई दी, बीजेपी के लोगों ने बधाई दी, अखिलेश जी हैं सब ने बधाई दी, ये तो हमारा दिमाग बना खोल दिया। आपने कह दिया किसान नौजवान और व्यापारी, ये तीन को अगर सुविधा दो तो देश संपन्न हो जाएगा, इसलिए हम आप मुझे खुशी है बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, नौजवान आए हैं, हम भी बहुत तेज चल के आए, तेज चलाई गाड़ी बहुत ये आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन जो हमारे घर के मैदान में आप परसों बैठे हुए हैं, इसलिए आप हम जितना करना चाहिए आपका आदर उतना आदर नहीं कर पा रहे, ये मानिए हम आदर चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अब कोशिश करेंगे अगले साल कुछ और रहा, इसलिए आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और ये कामना करते हैं कि आप हर साल स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, कुछ मालदार हों और त्योहार अच्छी तरह बना लें, घी भी हो चाहे तेल हो पूरी सबको बने, हाँ सब बने, ये चाहते ऐसा समाज हो कि सबके यहाँ संपन्नता हो तो अच्छा है, इसलिए आज मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ कि आप हमारे इतनी बड़ी तादाद में पहली बार हैं तो कई साल से चल रहा, लेकिन आज जितनी तादाद आई है इतनी तादाद पहले कभी हुई, तो आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी में आज कह रहा हूँ अखिलेश आपकी जिम्मेदारी है, आपके साथ नौजवान हैं तो नौजवानों को आगे बढ़ाइए और शेष राजनीति में हम आगे बढ़ाएंगे, कोई भूलिए हम आपको राय देंगे कि नौजवानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे संपन्न किया जाए, कैसे खुशहाल बने, कैसे सुविधा बने, ये सब करना है, ये है समाजवादी पार्टी का लक्ष्य, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपके आभारी हैं कि आप इतनी बड़ी तादाद में आ जाए और अगले साल भी बहुत खुशी के साथ फिर मनाना होली, यही मेरी कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।